देश में बयान और देश में उस पर छिड़ा है घमासान। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, वहां उन्होंने भारत के हालात पर चर्चा की, मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और संघ को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस को लगता है भारत एक विचार पर बना है, हमें लगता है भारत कई विचारों से मिलकर बना है। राहुल ने भारत में रोजगार की चर्चा की, यहां तक कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ मेड इन चाइना है। अब राहुल के बयान पर हिंदुस्तान में सियासी घमासान मचा है। बीजेपी हमला कर रही है, राहुल प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है, हल्ला बोल में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। राहुल का बयान वाकई क्या देश का अपमान है, क्या देश को बदनाम करने की कोशिश है, क्या बीजेपी के आरोप में दम है? नेता विपक्ष राहुल गांधी 3 दिनों की यात्रा पर अमेरिका में। कल वो टेक्सास के डालस में थे, उन्होंने वहां प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। डालस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस और उनकी पार्टी कांग्रेस के बीच विचारधारा का टकराव। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा बदलाव आया है, लोग अब बीजेपी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। राहुल गांधी ने संसद में दिए गए अभय मुद्रा वाले भाषण का भी जिक्र किया, कहा नतीजे आने के बाद मिनटों में बीजेपी का डर खत्म हो गया। In fact, I was amazed that it happened so quickly. Was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone? And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. डालस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर महिलाओं के मुद्दे पर भी हमला किया। कहा बीजेपी और आरएसएस महिलाओं को परंपरागत भूमिका में सीमित रखना चाहती हैं। इनका मानना है कि महिलाएं घर और रसोई संभालें, कम बोलें, जबकि हम चाहते हैं महिलाएं मुक्त हों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना चाहती है करें। This is part of the ideological fight between the BJP and us, right? The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। असल टकराव शुरू हुआ जब बीजेपी ने सैम पित्रोदा के एक बयान को लपक लिया। अपने बयान के लिए कई बार विवादों में घिर चुके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कल डालस में प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल गांधी का कुछ इस तरह परिचय कराया कि वो फिर से सुर्खियों में आ गए। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी बड़े विजन वाले कुशल रणनीतिकार हैं। ये उस छवि से उलट है जिसे बनाने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है। पप्पू शब्द पर फिर लड़ाई छिड़ गई। ये राहुल गांधी को सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। हम लोग तो उनको देश का एलओपी मानते हैं, लेकिन अब दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है चाइना को, क्योंकि जिसका ब्रांड एम्बेसडर भारत का एलओपी हो, जो कहता हो, तब चाइना लगता है जैसे चाइना के पैसे पर ये ब्रांडिंग कर रहे हो। राहुल गांधी अमेरिका में हैं और इधर हिंदुस्तान में उनके बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है, कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता।
जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते उन्हें शर्म आती थी कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, तब वो देश विरोधी बात नहीं थी। संविधान में जो पहले पृष्ठ पर लिखा है वो बता देना देश विरोधी कब से हो गया? इंडिया भारत, इंडिया दैट इज भारत विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो संविधान लिखा में लिखा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस संविधान को बदलेगी? तो हमारा जो डर था, जो भय था भाजपा के बारे में, वो बिल्कुल सही था कि ये संविधान के खिलाफ है। राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान में विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी एंट्री मारी। आरजेडी कह रही है देश को राहुल गांधी में अपना भविष्य नजर आ रहा है। सरकार राहुल गांधी जी के सवालों से परेशान है, बिल्कुल वाजिब सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सरकार को घेरने का काम किया है, अब देश की जनता को राहुल गांधी जी में अपना भविष्य उम्मीद और आशा दिख रही। विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उनके बयानों पर विवाद जरूर होता है। बीजेपी देश विरोधी बातें बोलने और देश को बदनाम करने का आरोप लगाती है। अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है। आज तक ब्यूरो। अभय दुबे जी, आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूँ। दिखाइए अभय दुबे जी को, गौरव भाटिया जी को। अभय दुबे जी, आपके कपड़े पे या आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं या जो मोबाइल आपने पकड़ा है, किसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना? अगर है तो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। मैं आज हतप्रभ हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कहते हैं कि ये देशद्रोह की बात कर रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स भी देशद्रोह कर रही है? जो कह रही मोदी सरकार को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कह रही है कि गैर जरूरी चीजों का सामान चीन से इतना बढ़ गया कि हमारे एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया, $110 बिलियन का इंपोर्ट नहीं करने लगे हम चाइना से। बताइए प्रधानमंत्री जी, कितना करते थे 13-14 में? $38 बिलियन का, 3-4 गुना आपने उसको बढ़ा दिया। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही कि खिलौने का, फटाके का, होम अप्लायंसेस का, साइकिल का, वो साइकिल के लिए कह रहे हैं कि एक वर्ष तो ऐसा है जिसमें 58% तक आपने इंपोर्ट बढ़ा दिया। तो ये आरोप अगर आप हम पर लगाते हैं तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पर भी लगाया जाना चाहिए। क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कहा कि अमेरिका जो भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ा है उसके यहां रोजगार के अवसर अधिक सृजित हुए। हम लोग कंजम्पशन की तरफ काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं काम कर रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को अगर सच का आईना राहुल गांधी जी दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, अब तो पूरा विश्व एक है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको तकलीफ होती है, जो सच बताया है राहुल गांधी जी ने वो सच छुपाया नहीं जा सकता। चीन भारत की सीमा के अंदर घुसकर बैठा है और आप क्लीन चिट देते हैं। चीन ने आपकी सरहदें नहीं, व्यापार की हदें भी सारी पार कर दी। अकेले राहुल गांधी नहीं कह रहे, पूरा विश्व इस बात को देख रहा है। अगर वो बात सच्चाई का आईना राहुल गांधी ने दिखाया तो इनको झूठ लगता है। ये तो ट्वीट करके कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी भारत की एक जैसी है, और ये यात्रा पर गए नहीं हो तो यही शिवराज सिंह चौहान जी का 2016 का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, मैं आपको ट्वीट की कॉपी भेज दूंगा। इन्होंने ही तो कहा था, और ये इनका प्रतिनिधिमंडल चीन गया वहां से शिक्षा लेने के लिए। तो ये सच का आईना राहुल गांधी जी ने दिखाया है। इस पर मैं अभय जी से जवाब ले लूंगी। इस बात की प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी ने बहुत, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, उसका एक जवाब तो बनता है, क्योंकि राहुल जी ने वहां पर कहा है यूएस में कि भारत में जो फोन, फर्नीचर, कपड़े आप देखें, उन सभी के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। फोन आपने कहा कि हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिवाइज करते हैं, हमने स्कीम पीएलआई की स्टार्ट की, क्या है उसकी सच्चाई? क्या फोन की बैटरी चीन से नहीं आ रही है? क्या जो आप सभी कंडक्टर डिवाइस यूज कर रहे हैं वो चीन से नहीं आ रहा है? क्या माइक्रो प्रोसेसर उसका चीन से नहीं आ रहा है? क्या उसकी स्क्रीन चीन से नहीं? सारा सब कुछ हम आकर यहाँ असेंबल कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमने इंसेंटिवाइज कर, राहुल गांधी ने डालस में कौन सी देश विरोधी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं वो? अरे हम तो आपके फर्नीचर, चेयर और कुर्ते के बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन गौरव जी आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं बैटरी चाइना में बनती है। दूसरा उनका कहना है कि सवाल यह है कि राहुल गांधी ने डैलस में कौन सी देश विरोधी बात बोल दी, जो आपकी पार्टी के नेता सामने आकर कह रहे हैं कि कोई देश
द्रोही, देशद्रोही कहा ना उन्होंने, मैं अभी वो क्या समझेगा संघ को? देखिए सबसे पहले तो आज तक के माध्यम से मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत के लोकतंत्र को कोई पप्पू बुलाए, ये गलत बात है। और ये अंकल सैम ने किया, एक अंकल सैम अमेरिका में भी है लेकिन एक अंकल सैम पित्रोदा है, वो पप्पू बुला रहे थे, अच्छा नहीं लगा किसी को। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर कोई काला धब्बा है तो वो काला धब्बा राहुल गांधी है। और मैं आपको बताता हूं वो कंफ्यूज लीडर भी है और करप्ट लीडर भी है। अरे आपका तो पूरा दामन काला है। ये कहना गलत नहीं होगा, बीच में ना बोले प्लीज अंजना जी, जब ये बोल लेंगे तब। आज दो ही लोग हैं अभय जी, दो ही लोग हैं और आपका तो नाम ही अभय है। रुक जाइए बारी बारी से। देखिए शुरुआत पहले करी इन्होंने चीन की करी, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी होगी, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना परिपक्व होना चाहिए कि वो विदेशी धरती पर जाता है तो तथ्यात्मक तौर पे उसको गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भारत की छवि को वो निखार रहा है या उस पर काला धब्बा बन जाता है, ग्रहण बन जाता है जैसे राहुल गांधी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, अमरीका में इकॉनमी का ग्रोथ रेट क्या है, आईएमएफ की रिपोर्ट है जुलाई 2024 की, और ये आंकड़े देखिए, भारत की ग्रोथ रेट 2023 में 8.2%, अमेरिका की 2.5, ढाई मतलब एक तिहाई से भी कम, और चीन जिसका बीन हमेशा बजाते रहते हैं राहुल गांधी, उनकी ग्रोथ रेट 5.2%। 2024 में 7% भारत, अमेरिका 2.6% और चाइना 5%। तो सबसे पहले तो जिस भारत से आप आते हैं, जहां के एलओपी हैं, वहां का सम्मान करिए और देश को बताइए कि विपरीत परिस्थितियों में जब हर देश पर संकट आया है उस वक्त भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है पूरे विश्व पटल पर, और ये श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। दूसरी बात, आप जानते हैं राहुल गांधी अनर्गल बयान देते हैं विदेशी यात्राओं में, अंजना जी इससे पहले भी उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका और रूस को, यूके को हस्तक्षेप करना चाहिए हमारी जो लोकतंत्र है, तो ये पूछा जाएगा हमारी संप्रभुता का क्या। और चीन आपने राहुल गांधी को कहते सुना है, वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं चीन की जो लोकतंत्र है उसके बारे में आपको पता नहीं है क्या? वहां पे उगर मुस्लिम हैं, लाखों की संख्या में गायब हो गए, कोई उफ नहीं कर पाया। हमारे यहाँ देखिए वरिष्ठ संवैधानिक पदों पर भी मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये हमारी डाइवर्सिटी है और इस विविधता में भी हमारी एकता है। दूसरा लोकतंत्र, मोदी जी को रोज गाली देते हैं ये लोग, चौकीदार चोर है, सांप बिच्छू तेली क्या क्या कहा है। आप एक बार चाइना के जो प्रीमियर है उनको गाली दे के देखिए, पता चलेगा भारत का लोकतंत्र कितना सहिष्णु और मजबूत है। तीसरी बात, आप मुझे बताइए चीन में वहां के डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाते हैं अक्टूबर 2023 में, वहां के फॉरेन मिनिस्टर गायब हो जाते हैं, अली बाबा ग्रुप है उसका जो फाउंडर है जैक मा गायब हो जाता है। अब ऐसे चीन की आप तारीफ करते हैं और आप आलोचना करते हैं भारत की, लेकिन अब मैं सबसे बड़ी बात पे आता हूं, मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये जानना चाहता हूं क्या राहुल गांधी सच में भारत से प्यार करते हैं, क्या वो एक विषैले सांप है आस्तीन के, क्योंकि ये एमओयू है, ये चाइना से साइन किया है पार्टी टू पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग हर डिबेट में ये बात उठाते हैं, अंजना जी आप मुझे बताइए हमें क्यों ये हक नहीं है जानने का कि इस एमओयू में क्या लिखा है ऐसा कि हर बार भारत को गाली देना और चीन का समर्थन करना। और चुनौती के साथ आज तक पे एक प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का 10 साल में एक भी वक्तव्य बताइए जिसमें चीन की आलोचना करी हो, बल्कि राहुल गांधी हमारी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ते हैं और कहते हैं भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। अब मेरा जो सवाल है वो पूछिए एमओयू सार्वजनिक क्यों नहीं किया, और कोई भी वक्तव्य सोनिया गांधी का कि जो कह रहा है चीन गलत करता है हमारे साथ, ठीक है पूछिए। अभय जी मेरा प्रश्न आपसे दो है, राहुल गांधी अक्सर विदेश जाकर चीन की प्रशंसा
किसी ना किसी तरीके से जरूर करते हैं अपने, जब उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्याख्या करनी हो, किसी ना किसी बहाने से धीरे से चीन की प्रशंसा जरूर हो जाती है। तो चीन, जिसे आप ही कहते हैं दुश्मन देश है, चीन ने हमला किया हुआ है, चीन ने कब्जा किया हुआ है, उस चीन की प्रशंसा करने की वजह जरा समझा दीजिए कि उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं। पहला इस प्रश्न का जवाब एक दे दीजिए, फिर अगले प्रश्न पे आओ। प्रशंसा क्यों? अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब भी सच्चाई की बीन बजाते हैं तो कई सारे विषैले सर्प सामने आ जाते हैं, डसने को तैयार रहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं गौरव जी किसी का, संकेतात्मक रूप में बात कर रहा हूं जैसे आपने बात की। अंजना जी, वो नेता राहुल गांधी हैं जिन्होंने दृढ़ता से कहा प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट मत दीजिए। समझाइए ना सर, मुखर्जी से एकमात्र नेता था जिसने प्रशंसा समझाई। अंजना जी, क्या सच नहीं है, क्या ये बात सच नहीं है कि हम चीन से बेतहाशा इंपोर्ट करने लगे हैं और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो पूरे वर्ल्ड में कहीं हो रहा है, जो पहले अमेरिका में, जापान में, कोरिया में था, वो शिफ्ट हो गया चीन की तरफ। ये बात कह देना क्या गलत है बताइए, लेकिन दृढ़ता से अगर चीन के खिलाफ कोई एक बोला, सबसे बड़ा पक्ष 18 बार जिस प्रधानमंत्री ने चीन के प्रमुख के साथ झूला झूला हो, गलबैया की हो, उसने क्लीन चिट दी चीन को। चीन ने क्या किया है भारत के साथ, देश के नागरिकों को जानना चाहिए। चीन ने भूटान के साथ थ्री स्टेप एग्रीमेंट किया, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री कहती कि हम निगाह लगाए हुए हैं। नेपाल के साथ उन्होंने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया। पाकिस्तान के साथ पीओके में, जो भारत का हिस्सा है, उसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। श्रीलंका में 100 साल के लिए हम्बन टोटा उसने ले लिया। भारत की सीमा में वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 12-13 तक घुसा हुआ है। उसने गांव का गांव बसा लिया भारत की भूमि में घुसकर। और प्रधानमंत्री जी, जब चीन भारत में के अंदर दौलत बे गोल्डी में बैठा है, तो वो कहते हैं ना कोई आया है ना घुसा है। इससे बड़ा चीन के चाटुकार कोई राजनीतिक दल हो सकता है जो भारत माँ की अस्मिता को खंडित होते हुए भी ये कहता हो दृढ़ता से लड़ने की अपेक्षा कि नहीं, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चीन के प्रति समर्पण किसी का नहीं होता। राहुल गांधी तो एकमात्र नेता है जो दृढ़ता से लड़ रहा है। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने, अमेरिका प्रधानमंत्री जी गए अमेरिका पहली बार, कब गए, जब ट्रंप साहब से गले लगे, तो जीएसपी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस 1,000 आइटम ड्यूटी फ्री, हम 6.5 अरब डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका। क्या किया उसने पूरी ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी। उसने पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को अलग कर दिया। बड़े ढिंडोरे पीटते थे कि हम ड्रोन MQ-9 ड्रोन अमेरिका से क्यों रोकी थी सप्लाई उसकी, बताइए ना देश को। कनाडा में हमने एक आतंकवादी के खिलाफ अगर प्रहार किया तो अमेरिका ने हमारे खिलाफ अब ये प्रतिबंध लगाने का मानस बना लिया। आपके संबंध किस देश से बताइए। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी रशिया गए, क्रूड ऑयल आया, किसको फायदा मिला, 1 रुपया भी हमारे पेट्रोल डीजल का कम हुआ नहीं, लेकिन रिलायंस वहां से लेकर आता है, अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करता है और यूरोपियन कंट्री को भेज देता है। हमको भारत विदेश यात्रा का प्रधानमंत्री जी को कोई लाभ नहीं मिला। और राहुल गांधी जी तो राष्ट्रभक्त है, गलत नहीं कहा, वो क्या लाभ लेके आ रहे हैं, है जो प्रधानमंत्री विदेश की भूमि में जाकर हमारी भारत की आलोचना करते हैं। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की होगी, भारतीय जनता पार्टी भारत का प्रतिनिधि, भारत एक जवाब इस पर दीजिए, फिर हम अगले मुद्दे पर जाएंगे जो राहुल जी ने बोला है। लेकिन उससे पहले गौरव जी, उनका ये कहना है कि चीन अगर मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे विश्व का बन गया है तो ये एक सच्चाई है, और राहुल गांधी अगर इसको बयान करते हैं तो इसमें कोई देशद्रोह और देश विरोधी बात नहीं है। वो उंगली उठा रहे कि आपने क्या हासिल किया अपने दौरों से। अंजना जी, आपकी बात का उत्तर मैं जरूर दूंगा और तथ्यों के आधार पर दूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। लेकिन आज ये कहना गलत नहीं होगा, बालक बुद्धि ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है सहायता। मैंने पहला मुद्दा कहा MOU सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ। देश ये देख ले कितनी भारत विरोधी पार्टी है कांग्रेस, कि आज तक उन्होंने अपना MOU सार्वजनिक नहीं किया, जो जानने का हक हर नागरिक का है। दूसरी बात, मैंने चुनौती दी सोनिया गांधी का एक वक्तव्य चाइना की निंदा करते हुए पिछले 10 साल में नहीं बता पाए, तो ये माना जाएगा कि अगर राहुल गांधी का कपड़े नहीं दिल भी देखेंगे तो अंदर चाइना ही लिखा मिलेगा। अब जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, मोदी जी का बता दो, चलो कि पिछले 10 मैंने तो राहुल जी का बताया, मोदी जी का एक वक्तव्य बता दो। शांत क्यों नहीं, सुन लीजिए, खिलाफ दिया उन्होंने, शांत शांत हो जाए, एक सिंगल सेंटेंस, शांत हो जाए।
शांत हो जाए, आज आग लगी हुई है, अच्छा लग रहा है, कांग्रेस हेडक्वार्टर से लेके अभय दुबे जी के दिल तक, यह अच्छा है, ठीक है। आस्तीन के सांपों को तो अगर आग की पीड़ा हो रही है, अच्छा है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, कलर्ड चश्मा लगाने से आपको भारत की ताकत नहीं दिखाई देगी, चीन ही दिखाई देगा। अब सुनिए अंजना जी, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, आपको सुनिए ना अभय जी, आपके विषय उन्होंने नहीं बोला, वो सुन रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दे दीजिएगा, आप भी मौका ये तैयारी कर लीजिए, आप बता दीजिएगा देश को एक बार, क्योंकि एक ही वो एमओयू है जो वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुई है, आखिर वो एमओयू में क्या है वो आप बता दीजिए देश को, खत्म हो जाएगा ये फसाना। हर डिबेट में आते हैं गौरव भाटिया जी वही फोटो लेके, पूरी कीजिए आप गौरव जी अपनी बात, उसके बाद से वो जवाब देंगे। धन्यवाद। देखिए बात हो रही है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। मैंने तो आपको बताया कि भारत क्यों इतना मजबूत लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री जी को आप अपशब्द कहते हैं फिर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने जाते हैं। यहां पे जब भी सत्ता बदली है या चुनाव हुए हैं उसके बाद कभी दंगा नहीं हुआ, अमेरिका में भी हुआ है और चीन में भी, हम जानते हैं कैसी तानाशाही है। आप भारत को छोटा करके चीन की तारीफ करते हैं। हम आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, क्या ये एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? और हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उसके बाद चीन को भी पछाड़ देंगे। ये मादा, ये ताकत अगर किसी में है तो भारत में है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत की, ये किसने दी चीन को? चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई कह के इतनी बड़ी गलती करी। वो दस्तावेज दिखा देता हूं, ये जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है मेरे हाथ। जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि चीन एक बड़ा देश है, और अगर चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं मिलेगी और भारत वो सीट ले लेता है तो ये नाइंसाफी होगी। आप बताइए जवाहरलाल नेहरू ने किससे नाइंसाफी करी थी। और अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, 5th largest इकोनॉमी भारत है, मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 2nd नंबर पे भारत है, ऑटोमोबाइल में 3rd नंबर पे भारत है, 4th largest हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। और एक आपत्ति और दर्ज कर दूं अंजना जी, अगर आप मुझे समय दे, इन्होंने राहुल गांधी ने एक बात कही कि इंडिया डज नॉट रिस्पेक्ट स्किल्ड पर्सन, जो लोग स्किल्ड होते हैं उनकी इज्जत हम नहीं करते हैं। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली हो सकती है, हमारी नहीं। सीवी रमन साहब को भारत रत्न मिला, स्किल्ड थे ना। एमएस स्वामीनाथन जी साइंटिस्ट, भाजपा ने दिया, एग्रीकल्चरलिस्ट हमने दिया। भूपेन हजारिका सिंगर, स्किल्ड थे ना, हमने भारत रत्न दिया। लता मंगेशकर जी 2001 में हमने भारत रत्न दिया, स्किल्ड थी। और बताइए उस्ताद बिस्मिल्ला खान, शहनाई वादक, हमने दिया। अरे राहुल गांधी को इतना कुछ दे दिया इस देश ने जिसके वो हकदार नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, और ऐसे देश की आलोचना विदेशी भूमि पे करते हो, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जवाब दीजिए अभय जी, जवाब दीजिए, और एक बार के लिए ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी और सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कोई एमओयू हुआ है? और अगर हुआ है तो उसका कंटेंट क्या है, क्या था उस एमओयू में? देखिए अंजना जी, मुझे तो ये बात नहीं पता जो मेरे काबिल विद्वान प्रवक्ता दोस्त पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक प्रमाण जरूर है। इनके पास प्रमाण हो तो वो कोई एमओयू की कॉपी बताइएगा, क्योंकि सरकार आपकी, मेरे पास एक प्रमाण जरूर है। ये मैं ट्वीट है, एक पढ़ देता हूं। कम्युनिस्ट, ये ट्वीट है 26 जून 2016 का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड बीजेपी हैव डन न्यूमरस वर्क इन सोशल फील्ड, दिस वे देयर इज अ ट्रिमेंडस सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका ये राग अलाप रहे हैं चीन के चूचू लोग, वो जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये ऑफिशियल इन्होंने ट्वीट किया कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या सिमिलरिटीज है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा राग अलाप रहे थे आप कि भारत की ने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में तरक्की की, तो फिर बताइए ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्यों कहती है कि हिंदुस्तान के 5% लोगों के पास देश के 60% संसाधनों का प्रवाह हो गया और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3%।
100 लोगों ने 54.18 लाख करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 18 महीने तक भारतवर्ष का बजट होता है। तो क्या ये बात अगर राहुल गांधी जी रेखांकित कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं? दिक्कत यह है कि आप स्किल्ड के, आपने बहुत सारे नाम गिनाए कि हमने इनकी, अच्छी बात है, उन लोगों को आपने नवाजा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने उस चर्म शिल्पी को नहीं नवाजा जो सड़क पर काम कर रहा है, जिसके पास राहुल गांधी जी रुके थे और उसने कहा था कि मुझे मेरे पिता के अलावा किसी ने इज्जत नहीं दी। राहुल गांधी जी उन गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको तबाह मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, एक साथ जवाब दीजिएगा, ये बात पार्लियामेंट्री कमेटी ने कही है, आधिकारिक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तौर पर कर रहे हैं कि ऐसे किसी एमओयू की जानकारी आपको नहीं है। अरे सर, अगले विषय पर भी जाना है ना, संघ को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा मुझे है। नहीं देखिए, एक बात और बता दूं, एक मिनट अंजना जी, एक बात और बता दूं, हम लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया इस राष्ट्र पर, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हो, इंदिरा जी हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, और सैकड़ों सैकड़ों हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मातांगी हाजरा सहित। ये फोटो कब की है जो वो दिखा रहे हैं? एक भी कदम भारत के खिलाफ नहीं उठा सकते। ये फोटो कब की है जो वो बार बार दिखा रहे हैं? इन्होंने तो राहुल गांधी, ये फोटो कब की है, चेक कर दीजिए। 6 अगस्त नहीं तो बताए ना, ये फोटो कब की है बता के एक बार खत्म कीजिए। मैंने तो प्रमाण दे दिया तारीख सहित। ये फोटो कब की है बताइए ना, जो सीसीपी के नेता राहुल जी कुछ साइन कर रहे हैं, ये क्या है? इसको एक बार के लिए खत्म कीजिए। नहीं नहीं, खत्म कर दे, मैं तो भारत की सरकार से कह रहा हूं, अब तो 10 साल से सत्ता में हो आप, मैंने तो प्रमाण दिया कि आपने भारत के साथ कितना बड़ा चीन के प्रति समर्पण, ऐसा आज तक किसी, जिस 62 की बात कर रहे हैं, अरे युद्ध दृढ़ता से लड़े थे उस समय, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट बुलाई थी, और जिसकी बात कर रहे हैं कि चीन को हमने आगे होकर निमंत्रण दिया, कभी नहीं, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में इस बात को रेखांकित किया था कि मैंने ऐसा कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया। राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया कि देश के शिक्षा संस्थानों में आरएसएस के लोग घुस गए हैं। आइए आपको सुना देते हैं, इसीलिए मैंने आपको मौका दिया था कि अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ही कहानी है तो आप सच बता देते कि ये तस्वीर आखिर किस वक्त की है, किस पेपर पर हस्ताक्षर हो रहा था। आप टाइम ले लीजिए, थोड़ा पता कर लीजिए, ताकि आगे से गौरव जी उसको नहीं दिखा पाए, क्योंकि जितना मैं रिसर्च इस पर कर रही हूं, अभी तक अदालतों में भी कुछ लोगों ने पीआईएल दायर किया है और इस पर स्पष्टता नहीं आ पाई है। बहरहाल, राहुल गांधी ने संघ को लेकर यह भी कहा कि जो शिक्षण संस्थान है भारत में, वहां पर संघ का कब्जा हो गया है। सुनिए, फिर इस पर चर्चा करें। दिस इज पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजिकल फाइट बिटवीन द बीजेपी एंड अस, राइट? द बीजेपी एंड द आरएसएस बिलीव दैट वुमेन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रोल, दे शुड स्टे एट होम, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to. इस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने देवता और शिवा, इनकी भी व्याख्या की, एक बार जल्दी से सुन लीजिए। Idea of Shiva basically. When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. That's the idea. Right, he's destroying his ego, he's destroying his structure, he's destroying his beliefs. So Indian political thought, Indian political action is all going inwards. But I mean, I think we might be getting too philosophical. Do you know what Devta means in the term Devta? Do you know what it means? Yes. No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So Devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks and he tells it to me, that's the definition of Devta. गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले संघ वाले मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी का यह आरोप है कि शिक्षण संस्थानों में संघ का कब्जा हो गया है, एक ही विचारधारा को जो मानते ही नहीं है कि कई विचारों पर यह देश टिका हुआ है। और देवता और शिवा की जो उन्होंने व्याख्या की है, उस पर भी अगर आप टिप्पणी करना चाहें, वो कहते हैं वो प्यार सिखा रहे हैं, आप लोगों ने नफरत की दुकान खोली हुई है देश में।
देखिए वो कितना प्यार सिखा रहे हैं वो तो हमने देखा है, जब उनके नेता अनर्गल बयान देते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं। और बाकी सब छोड़िए अंजना जी, अभी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कहता था बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक कौन है भारत में? हिंदू। तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाओ, गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, भगवान शिव को गाली दो, भारत माता को डायन बोलो, गलत बोलो, और उसके बाद कहो कि ये मोहब्बत की दुकान है लेकिन जहर का पकवान है। अब मैं उनको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं, मैं ऐसे ही उन्हें अपरिपक्व नहीं कहता हूं। देखिए आरएसएस वो कहते हैं कि गलत है, आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, आरएसएस भागती है। पहले तो आरएसएस की जो सोच है वो हमेशा भारत को मजबूत करने वाली रही है। आरएसएस के पैर धूल नहीं है राहुल गांधी, और वजह बताता हूं विरोधाभास। जब भारत चीन का युद्ध हुआ उसके बाद आरएसएस ने जो कंट्रीब्यूशन किया, भारत के साथ खड़ी रही, सेना के साथ खड़ी रही, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस की परेड में उनको सम्मानित किया, बुलाया। तो राहुल गांधी को बताना चाहिए क्या जवाहरलाल नेहरू गलत थे। दूसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनको पहला कैबिनेट जो बना उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आरएसएस इतनी बुरी थी तो कैबिनेट में क्या कर रही थी चाचा नेहरू के? क्या चाचा नेहरू भी राहुल गांधी की तरह कंफ्यूज है? तीसरा, मेरे हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह है एक लेटर लिखा है 1947 6 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, इन्होंने सरदार पटेल को लिखा कि विभाजन के वक्त जो महिलाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, जो और लोग हिंदू आ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, और सुझाव दिया। देखिए आप जूम इन कर लीजिएगा, आरएसएस के लोगों से मदद लेनी चाहिए नागरिकों को बचाने के लिए। अब आप मुझे बताइए, जिस दंगे को जवाहरलाल नेहरू को रोकना था वो रोक नहीं पा रहे थे, तो तत्कालीन रक्षा मंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिख के कह रहे आरएसएस की मदद लो। प्रणब मुखर्जी आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं, क्यों जाते हैं अगर विषैली सोच है तो? ये सब बातों का उत्तर ये नहीं दे पाएंगे। और नफरत की राजनीति इतनी है, अभी आपने मोहब्बत की बात करी, ये तस्वीर दिखाई है आरएसएस की, निक्कर को दिखा के कांग्रेस का ट्विटर हैंडल ट्वीट करता है और आग दिखाता है, धुआं धुआं। अरे जला तो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, जली तो तुम्हारी नीयत है, जली तो तुम्हारी ईमानदारी है, धुआं धुआं तो तुम्हारा हेडक्वार्टर है, ये कौन सी मोहब्बत है? निक्कर में आग लगाते हो, अरे भस्मासुर के तुम लोग वंशज हो, तुम आग लगाओगे निक्कर में? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं ये विषैलापन इनको छोड़ देना चाहिए। और एक बात और कह के अंत करूंगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, उनका अगर आपने वक्तव्य सुना हो, उन्होंने कहा है कि भारत का मीडिया और भारत की जुडिशरी ये पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि ये हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचाती है। अंजना जी, कभी कौन जात पूछ लेते हैं, कभी मौसमी सिंह को कहते हैं बीजेपी का बैज लगा के आओ, और अब तो उन्होंने मीडिया को खत्म बता दिया है। तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि लोकतंत्र के सारे स्तंभों पे अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो भारत की जनता आपको नेस्त नाबूद कर देगी, ये बात पक्की है। और ये भी दिलचस्प है अभय जी की, ऐसे दिन जिस दिन एक घंटे हम उन्हीं के भाषण के कुछ हिस्सों पर बहस कर रहे हैं जो उन्होंने वहां पर संबोधन किया। खैर, अब किसी के सर्टिफिकेट या किसी के नहीं मानने से, स्वीकार करने से किसी का अस्तित्व नहीं मिट जाता है। हर किसी को यह आजादी सर्टिफिकेट की नहीं है, हर किसी को यह आजादी है बदनाम करने की, ठीक है, हर किसी को यह आजादी है कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या सोचना चाहता है, लेकिन सबको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब आप संस्थानों पर इतनी बड़ी उंगलियां उठाते हैं तो फिर आपसे भी एक दिन इस पर प्रश्न होगा। बहरहाल, मेरे सवाल पर वापस आते हुए, संघ को लेकर जो उनका बयान है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसमें आप ही के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर कई नेता संघ के साथ अच्छे संबंध रखने के हितकारी थे, उनकी भूमिका को अच्छी मानते थे, ऐसे में उनका प्रश्न है। और साथ ही एक और है, ये देवता वाला मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि देवता का मतलब गॉड नहीं होता है, देवता का मतलब डेटी नहीं होता है, जिसकी अंदर की सोच और बाहर की सोच एक हो वो देवता है। तो ये भी थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा क्या है, क्योंकि हम लोग पर्यायवाची शब्द में भगवान के लिए ही देवता मानते थे। जी अभय जी,
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं मुझे आज अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे विद्वान साथी, वैसे तो ये आरोप नहीं है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने इतना पढ़ा नहीं, उसको इतना जानते नहीं, लेकिन आज पंडित नेहरू के सर्टिफिकेट की आवश्यकता इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यता के लिए लेनी पड़ रही है, ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। वैसे उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी अधिकृत रजिस्ट्रेशन भारत के संवैधानिक व्यवहार के तहत नहीं किया गया। राहुल गांधी जी ने बहुत सैद्धांतिक बातें की है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है, बहुलतावादी गुलदस्ता है, उसमें जड़ता का बबूल बोने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा करती है, इसमें क्या बात है अगर वैचारिक हमने वक्तव्य जारी किया। ये बंच ऑफ थॉट्स गुरु गोलवलकर जी की पुस्तक है, 300-400 पन्नों की पुस्तक है, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। आंतरिक संकट, मुसलमान विभाजन के पश्चात मुसलमान दोहरी व्यूह रचना, सीधा आक्रमण, संख्या में वृद्धि हमारे नेताओं की नीति। ईसाई, मानवता के नकाब में अधर्म धार्मिक और राजनीतिक युक्तियां। कम्युनिस्ट किस प्रकार जड़ जमाता है पश्चिम का गलत दृष्टिकोण। बौद्ध, इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने आए। सिख को अलग धर्म मानने से इनकार किया, लिंगायत को अलग धर्म मानने से इनकार किया। ये उनकी विचारधारा है, उनको समर्पित है, लेकिन ये बात राहुल गांधी जी ने सच कही। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए विभाजन का बड़ा आरोप लगाते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने, हमने तो बड़ा हृदय दिखाया। पंडित नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की व्यक्तिगत मित्रता भी थी और बहुत लंबा पत्राचार हुआ है, 5000 पत्रों का संकलन मेरा वल्लभ भाई पटेल जी का, पंडित नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। किसके साथ सरकार बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में, बताइए आप। उस फजलुल हक के साथ जिसने 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव मीनारे पाकिस्तान लाहौर में पड़ा, उसके साथ ये जानने के बाद उसके साथ सरकार बनाई। क्या उस समय वीर सावरकर जी की जो राजनीतिक दल था, वीर सावरकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को नहीं मानते थे, ये भी बता दूं, ना जीवित रहते वो कभी जनसंघ में गए, ना उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से संबंध, वो विरोधी थे उसके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के, ये बड़ा खुलासा आपके सामने कर दूं मैं। उन्होंने सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, और जबकि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव असेंबली में पड़ा था, उसके बावजूद वो सरकार चलती रही, और आरोप हम पर लगाते हैं विभाजन का। देखिए राहुल गांधी जी यही संदेश लेकर निकले कि नफरत, नकारात्मकता और निराशा को बाहर निकाल दीजिए, आपको अगर देश के लिए काम करना है तो ये जो बहुलतावादी गुलदस्ता है इसके साथ काम कीजिए। महात्मा गांधी कहते थे कि जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो किसी मानव की हत्या गाय के नाम पर, एकदम छोटा सा जवाब गौरव जी, टाइम खत्म, अभी हमने देखा हरियाणा जी, एकदम छोटा सा प्रधानमंत्री जी ने, छोटा सा जवाब, बिल्कुल छोटा सा ही, बिल्कुल छोटा सा जवाब देता हूं। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको अपनी जिम्मेदारी का शायद एहसास नहीं है, और इसीलिए वो काला धब्बा है हमारी राजनीति पे। और महिलाओं के सम्मान की वो बात करते हैं, जब कलकत्ता में हमारी बहन की हत्या और रेप हुआ, उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा ये डिस्ट्रैक्शन है। सिमी रोजवेल पे क्या किया, महिला आरक्षण क्यों नहीं ला पाया आप संविधान को संशोधित करके जो मोदी जी ने किया है, तो हर जगह आपको विरोधाभास दिखेगा। अभी कश्मीर का चुनाव है, अनुच्छेद 370 को हमने हटाया, क्या ये यहाँ पे ये बता सकते हैं, वैसे तो जीतेंगे नहीं लेकिन रिस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, और वो साफ झलकता है जब ये लोग चर्चाओं में आते हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश का राज्य का दर्जा खत्म कर इंडियन टेरिटरी बना दिया, वहां पर एलजी को इतना आपने मजबूत कर दिया कि प्रजातंत्र का मायना खत्म हो गया।